जितने की मुर्गी नहीं जितने का मसाला। तो कहने का मतलब ये होता है कि कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं अभी, लेकिन अगर आप 45 से 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर लेते हैं तो वो आपको 8 लाख से कम का नहीं पड़ता। तो ये भी एक खर्च। तो एक तो जुताई करानी पड़ेगी हमें, और दो कल्टीवेटर उसमें कराने पड़ेंगे, और तीसरा उसमें सीड ड्रिल मशीन, फिर एक रोटावेटर जो 1.25 लाख रुपए का आता है, 1,25,000 या 20,000 रुपए का रोटावेटर आता है। तो टोटल कुल मिलाकर के टोटल वो 9 लाख की ही चीज बिक जाएगी। हर साल उसकी कीमत भी गिरेगी। तो छोटे किसान को किराए पर कराने में ज्यादा फायदा है बामुकाबले अपना ट्रैक्टर परचेज करके, क्योंकि उसे एक बार। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियो डालता हूं, जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो ट्रैक्टर से रिलेटेड बात करेंगे। तो देखिए मोस्टली लोग, हर किसी किसान का ये सपना होता है कि ट्रैक्टर, उसके पास अपना ट्रैक्टर होना चाहिए। तो आपने जैसे देखा होगा थंबनेल और टाइटल में देख करके आपने कुछ एक अलग वो लगा होगा। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि इस तरह से ये चीजें होती हैं किसी वजह से। तो जिसका जैसे कि किसान का एक सपना होता है ट्रैक्टर को परचेज करने का, लेकिन एक कहावत सुनी होगी कि इतने की मुर्गी नहीं जितने का मसाला। तो कहने का मतलब ये होता है कि कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं अभी, इस वीडियो में आगे डिटेल में हम बात करेंगे। तो किसान ट्रैक्टर तो ले लेता है लेकिन सोचता बिल्कुल नहीं है, कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं लगाता है। तो इस वीडियो में जो हम बात करेंगे कि क्या ट्रैक्टर लेना फायदेमंद है या नुकसानदायक है, या हमें किराए पे ट्रैक्टर से काम कराना चाहिए, तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे और इसमें डिटेल से जानेंगे कि क्या किराए से कराने में कितना खर्च आता है और अपने ट्रैक्टर से करने में कितना खर्च आता है, दोनों में क्या फायदा है। और एक 10 एकड़ के किसान को लेकर के चलेंगे हम इसमें। तो देखिए मोस्टली 10 एकड़ का जो किसान होता है वो बड़ा किसान माना जाता है। तो लेकिन फिर भी 10 एकड़ पे कैलकुलेशन करके देखेंगे हम यहाँ पर। और बाकी तो जो छोटे किसान अगर ट्रैक्टर परचेज कर रहे हैं तो उनका तो क्या ही हाल होगा जब 10 एकड़ के किसान का अगर रिजल्ट ये आता है। तो अभी वीडियो में वन बाई वन अभी हम बात करेंगे, पूरी कैलकुलेशन इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो ऐसी नौबत क्यों आती है जो आप मेरी थंबनेल और टाइटल में देख रहे हैं, ऐसी नौबत क्यों आती है? ये बंदा हिसाब नहीं लगाता और वो धीरे धीरे फंसता चला जाता है। तो ट्रैक्टर के हम फायदे देखेंगे कि ट्रैक्टर के क्या क्या फायदे हैं, लेकिन कहीं हमारी बर्बादी का जिम्मेदार ट्रैक्टर तो नहीं है। आज इस वीडियो में देखेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं हद तक ट्रैक्टर भी हमारी बर्बादी का जिम्मेदार हो सकता है। तो अब मैं बता दूं कि ट्रैक्टर के फायदे क्या क्या हैं। तो देखिए सबसे पहला फायदा तो यही है कि काम बहुत जल्दी हो जाता है। ट्रैक्टर से जो काम है वो बहुत जल्दी हो जाता है, बामुकाबले आप बैल से खेती करते हो या किसी अदर चीज से करते हो तो वो ट्रैक्टर के मुकाबले देर से होता है। फिर जो ज्यादा जमीन होती है उसे आसानी से जोत बो सकते हैं, ये दूसरा फायदा है इसका ट्रैक्टर। फिर तीसरा फायदा है कि मजदूरी का काम कम हो जाता है, आपको मजदूर को पैसे नहीं देने होते तो ट्रैक्टर से ये आसानी हो जाती है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो ट्रैक्टर से हो जाते हैं, वो मजदूरों से कराने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ट्रैक्टर के नुकसान की बात कर लेते हैं। तो देखिए ट्रैक्टर के जो नुकसान है, तो पहला नुकसान जो है वो खर्चा बहुत है। देखिए चाहे ट्रैक्टर आपका हो लेकिन उसमें खर्च तो है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। अब आ जाते हैं ट्रैक्टर की कीमत पर। तो देखिए कीमत जो है ट्रैक्टर की वो काफी महंगा पड़ जाता है। अगर देखिए आप मिनिमम 35-40 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर लेते हैं तो वो 5 से 6 लाख रुपए का पड़ जाता है, लेकिन अगर आप 45 से 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर लेते हैं तो वो आपको 8 लाख से कम का नहीं पड़ता। तो ये भी एक खर्च है। अब तीसरा पॉइंट बात कर लेते हैं कि जमीन जो हार्ड हो गई है। जैसे कि पहले क्या था, जमीन जब ट्रैक्टर नहीं चलते थे तो जमीन इतनी मुलायम होती थी कि वो आसानी से जोती बोई जा सकती थी, लेकिन जैसे जैसे टायर गीली जमीन में देखा होगा आपने कि ट्रैक्टर चल रहे हैं फिर हार्वेस्टर भी चलते हैं, तो क्या होता है कि जमीन बैठती चली जा रही है, जिससे कि जमीन की जो हार्डनेस है वो ज्यादा बढ़ गई है। तो अब क्या हो गया है कि 35-40 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर भी सही से काम नहीं कर पाता, अब तो 50-60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर भी कम पड़ता है। आपको लगता होगा कि जुताई में अब 50-60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर होना चाहिए, क्योंकि कम हॉर्स पावर के ट्रैक्टर अब नहीं खींच पाते। फिर चौथा पॉइंट है मेंटेनेंस का खर्चा बहुत है। पहले तो आपको इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा ट्रैक्टर का, फिर ड्राइवर का खर्चा भी है, डीजल का भी खर्चा है, ऑयल का और ग्रीसिंग का, ये खर्चे भी मेंटेनेंस में होते हैं ट्रैक्टर में। फिर इसके साथ जो अटैचमेंट होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए अटैचमेंट में जब आपने ट्रैक्टर ले लिया तो क्या होगा
कि आपको ट्रॉली भी होनी चाहिए, सीड ड्रिल भी होनी चाहिए, कल्टीवेटर भी होना चाहिए, डॉलर भी होना चाहिए, रोटावेटर भी होना चाहिए, हैरो भी होनी चाहिए, उसके साथ पटेला भी होना चाहिए। मतलब बहुत सारे सामान आपको इसके अटैचमेंट करने पड़ते हैं जब आप ट्रैक्टर खरीदते हो तो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि खाली ट्रैक्टर खरीद के ही आप काम चला लेते हो, तो आपको ये एक्स्ट्रा अटैचमेंट पे भी खर्च करना पड़ता है। तो ये तो हो गई नुकसान की बात। अब बात कर लेते हैं क्या किराए पर लेना सही रहेगा ट्रैक्टर, या अपना ट्रैक्टर से काम करने में सही रहेगा। ये 10 एकड़ के जो किसान है उन पे एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कैलकुलेशन करके। तो इस कैलकुलेशन से एक अंदाजा निकल करके आएगा कि क्या हमें लेना सही रहता है। तो बेसिकली अब जो फसलें होती हैं हमारी वो दो होती हैं। एक तो जो गर्मियों में हम बरसात के टाइम में जो करते हैं, जैसे कि धान बुवाई है तो ये उस टाइम पे करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं गेहूं की बुवाई करते हैं। तो ये दो फसलें साल भर में ये 2-3 फसलें निकल के आती हैं। तो इसका एक एवरेज हम निकाल करके यहां देखेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट पे जो बात करेंगे वो किराए के ट्रैक्टर से रिलेटेड बात करेंगे कि क्या किराए पर कराने पर कितना खर्च आएगा। तो अब जुताई की बात कर लेते हैं कि जो जुताई है वो हम जब गर्मी के टाइम में जब जुताई करवाएंगे किराए पर, तो एक तो जुताई होगी, एक कल्टीवेटर होगा, तो एक तो जुताई करानी पड़ेगी हमें और दो कल्टीवेटर उसमें कराने पड़ेंगे और तीसरा उसमें सीड ड्रिल मशीन भी चलेगी। तो अब जुताई की बात कर लें कि 3 घंटे में 1 एकड़ जमीन को ट्रैक्टर निकाल देगा जुताई में। एक आइडिया मैं इसमें बता रहा हूं, तो मान लीजिए तो 10 एकड़ पे 30 घंटे की तो जुताई हो गई, फिर दो कल्टीवेटर हो गए 10-10 घंटे के, तो 20 घंटे कल्टीवेटर के हो गए, क्योंकि हम घंटे में कैलकुलेशन निकालेंगे इसकी, घंटे से ही कैलकुलेशन निकलती है क्योंकि हमें एक अंदाजा हो जाता है घंटे से। फिर सीड ड्रिल चलेगी 10 घंटे, तो कुल मिलाकर के जो ओवरऑल हमारे घंटे हुए वो 60 घंटे हुए एक गर्मी के सीजन में। अब बात कर लेते हैं गेहूं की, तो गेहूं में कितना चलेगा, तो 2 बार तो हमें कल्टीवेटर मारना पड़ेगा, 1 बार हमें रोटावेटर मारना पड़ेगा और 1 बार सीड ड्रिल करना पड़ेगा। तो 2 बार कल्टीवेटर के 20 घंटे हो गए, 1 बार रोटावेटर के 10 घंटे हो गए और 1 बार सीड ड्रिल के 10 घंटे हो गए, तो 40 घंटे ये हो गए। तो ओवरऑल कुल मिलाकर के 100 घंटे ट्रैक्टर हमारा चला पूरे साल में। तो जो किराए के ट्रैक्टर हैं वो लगभग 1,000 रुपए घंटा या कोई 800 रुपए घंटा भी लेता है, लेकिन हम यहाँ 1,000 रुपए घंटे का हिसाब लगाएंगे कि मोस्टली लेते हैं, अपने अपने एरिया में अलग अलग रहता है लेकिन मैं अपने एरिया की बता रहा हूँ। तो मोस्टली 1,000 रुपए घंटा ट्रैक्टर वाले ले लेते हैं किराए पर। तो कुल मिलाकर 100 घंटे के 1,00,000 रुपए या 1,20,000 रुपए के करीब में बैठेगा लमसम 10 एकड़ जमीन की 1 साल की बुवाई। वैसे जनरली ट्रैक्टर 1 घंटे में 1.5-2 एकड़ जमीन को कर देते हैं तैयार, लेकिन एक ये हम लमसम क्राइटेरिया ले रहे हैं कि इतने में ये कर लेगा। तो मतलब जो किराए पर कराने में हमें खर्च आया वो 1 से 1,00,000 से 1.25 लाख रुपए तक का खर्च इसमें आया। अब हम देखते हैं कि अपना ट्रैक्टर लेने पर कितना खर्च बैठेगा इसी जमीन को करने में। तो मैं ज्यादा बड़े ट्रैक्टर की तो बात नहीं करता, लेकिन वैसे मोस्टली 8 लाख रुपए का ट्रैक्टर ही ज्यादातर लोग चलाते हैं, लेकिन फिर भी मैं 45 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर की बात करता हूँ, 40-45 की, जो आपको 6 लाख रुपए में पड़ जाता है। तो वो ट्रैक्टर मान लीजिए हमने ले लिया, कम का ही ले लिया, ज्यादा की मैं बात नहीं करता यहाँ क्योंकि हम एक लमसम क्राइटेरिया निकाल रहे हैं। अब 6 लाख का ट्रैक्टर लेने के बाद इसके लिए हमें अटैचमेंट भी चाहिए, तो जैसे ट्रॉली चाहिए। अब ट्रॉली की तो हम यहाँ बात नहीं करेंगे क्योंकि ट्रॉली तो वो तो रोड पे चलने के लिए है। हम यहाँ सिर्फ सीजन में जो ये काम हमने कराया गेहूं और धान की बुवाई का, तो इसकी यहाँ बात करेंगे। तो अटैचमेंट में हमें एक सीड ड्रिल चाहिए जो लगभग 1,00,000 रुपए का वो आता होगा, प्लस 50,000 का कल्टीवेटर हो गया, फिर एक प्लाऊ हो गया 25,000 रुपए का, फिर एक रोटावेटर जो 1,25,000 रुपए का आता है, 1,25,000 या 20,000 रुपए का रोटावेटर आता है। तो टोटल कुल मिला के 3 लाख रुपए की ये अटैचमेंट मान के चलो, तो 6 लाख और 3 लाख 9 लाख रुपए टोटल आपके बैठे। तो अब कभी कभार होता क्या है कि अब किसी किसान पे तो 9 लाख रुपए हैं, लेकिन किसी किसान पे नहीं होते हैं 9 लाख रुपए, तो उसे पूरा टोटल लोन भी कराना पड़ जाता है, वो नहीं करता अपने पास से कुछ। तो जो इंटरेस्ट की जो हम बात करेंगे यहाँ वो 9 लाख रुपए पे करेंगे, क्योंकि कभी कभार 9 लाख रुपए भी किसान लोन ले लेता है और वो फंसता कैसे है, जो आपने थंबनेल पे और उसमें देखो टाइटल में, वो फंसता कैसे है, वो फंसने वाली बात अभी हम यहाँ करेंगे। तो देखिए अब 9 लाख तो ये हो गए टोटल कॉस्ट, अब इस पे क्या खर्च होगा, डीजल तो अपने ट्रैक्टर में भी उसे फूंक नहीं है, तो 500 रुपए पर घंटे का तो डीजल आराम से ट्रैक्टर में खर्च कर देगा कोई भी। तो 100 घंटे के 50,000 रुपए तो यही हो गए डीजल के। फिर इंश्योरेंस की बात कर लो, बीमा भी जब नया ट्रैक्टर लाया है बंदा तो 10,000 रुपए का तो इंश्योरेंस भी हो ही गया, और 20,000 रुपए ड्राइवर के मान लो, भाई आप किसी से चलवाओगे या फिर आप चलाओगे तो आप अपने भी तो ड्राइविंग का हिसाब लगाओगे ना। अगर आप किराए पे कराते हो तो किराए पे आपको तो चलाना नहीं पड़ता ना ट्रैक्टर, लेकिन अपना भी हिसाब लगाओगे, जब अपना ट्रैक्टर आपने खुद से चलाओगे तो 20,000 रुपए अपने भी मान के चलो। फिर मेंटेनेंस की बात कर लो, साल में 2 सर्विस तो होनी है, तो 10,000 रुपए की 2 सर्विस हो गई, और भी बैरिंग टूटते हैं या पंचर होता है कुछ होता है, तो इस तरह से 10,000 रुपए साल भर के ये मान के चलो। तो अब जो आपने लोन लिया था वो 9 लाख के लोन पे आपको लगभग 7
परसेंट का इंटरेस्ट तो आपको बैंक को देना पड़ेगा, तो जिसका जो ब्याज होता है साल भर का वो 63,000 रुपए बैठता है। तो हम मान लेते हैं कि 63 न मान के 60,000 रुपए आप ब्याज मान लो आप बैंक को देंगे। अब ये सारे टोटल खर्च जो हो गए वो आपके 1,40,000 रुपए इस पे खर्च हो गए, जैसे कि इसकी सर्विस वगैरह ये सब आपने जो हिसाब लगाया और ब्याज का, तो 1,40,000 रुपए आप खर्च पे चले गए। अब ये तो हो गई खर्च खर्च की बात, जो मैं ब्याज के आपने अपने ट्रैक्टर पे खर्च किए और जब किराए से कराया तो 1,00,000 या 1,20,000 रुपए खर्च हुए, इसमें आपके 1,40,000 रुपए तक इसमें चले गए। अब बात कर लेते हैं जब नया ट्रैक्टर आप लेकर के आते हो तो ऐसा नहीं है कि वो जो आप 6,00,000 रुपए का लाए थे तो वो जो उसके अटैचमेंट है वो 9,00,000 रुपए मिलाकर के टोटल वो 9,00,000 की ही चीज बिक जाएगी। हर साल उसकी कीमत भी गिरेगी, गिरेगी तो कैसे, 5% कीमत गिरनी गिरनी है उसकी 9,00,000 की, हर साल में 5% गिर जाएगा। तो मतलब 45,000 रुपए आपके जो उसकी मेन कीमत है वो जो गिरी है वो 45,000 रुपए गिर गई, मैं ट्रैक्टर के और सारे अटैचमेंट के। तो आपको कुल मिलाकर 1,85,000 रुपए खर्च करने पड़ गए पूरे साल में अपने ट्रैक्टर से, और किराए के से आपको कुल 1,01,20,000 रुपए खर्च करने पड़े। तो यही चीज निकल करके आती है कि आपने देखिए किराए पर आपके कम पैसे खर्च हुए और आपने अपने ट्रैक्टर पर ज्यादा पैसे खर्च कर दिए। तो क्या होता है कि किसान नॉर्मली कैलकुलेशन नहीं लगाता, तो इस कैलकुलेशन को ना लगाने से ही वो धीरे धीरे धसता चला जाता है, ब्याज की उसमें बैंक का बिल्कुल कर्जदार बन जाता है। तो ये तो 10 एकड़ के किसान की बात है, जो बड़ा किसान है उसकी बात कर रहे हैं, अगर कोई छोटा किसान है तो वो तो बिल्कुल ही नहीं उठ पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो किसान लोन लेकर के ट्रैक्टर लेता है वो सोचता है कि मैं फायदे में जा रहा हूँ, लेकिन वो फायदे में नहीं जा रहा, वो घाटे में जा रहा है। तो क्या होता है कि बैंक फिर क्या करती है, नोटिस पे नोटिस देती है, वो कर्ज को निपटा नहीं पाता और जिससे कि उसकी बेइज्जती भी होती है। भाई गांव में बैंक वाले आते हैं, उल्टा सीधा प्राइवेट बैंक वाले आएंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, तो एक इज्जतदार आदमी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो क्या होता है कि वो बंदा या तो जमीन बेचेगा, जमीन बेचने की नौबत आएगी, जमीन बेच के कर्ज चुकाएगा, या फिर वो मोस्टली लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो किसानों के साथ ये दिक्कत आती है, वो कैलकुलेशन नहीं लगाते और नया ट्रैक्टर ला करके कि अपने ट्रैक्टर से ही करेंगे हम, तो किसी के पास 2 एकड़ जमीन है, 3 एकड़ है, 4 एकड़ है, वो ट्रैक्टर खरीद के ला रहा है। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि वो ऐसा करके और कर्ज के नीचे दबता चला जा रहा है, बैंक के कर्ज के नीचे वो रेगुलर दबता रहता है, जिससे कि ये नौबत आती है। तो फ्रेंड इस वीडियो से आपको कुछ देखने को मिला होगा कि ये कैलकुलेशन थोड़ी लमसम कैलकुलेशन है, मैं इसे एग्जैक्ट नहीं बताता, तो लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं देखिए कि छोटे किसान को किराए पर कराने में ज्यादा फायदा है बामुकाबले अपना ट्रैक्टर परचेज करके, क्योंकि उसे एक बार उसका मेंटेनेंस का हर चीज का कुछ देखना नहीं है, वो बुलाएगा किराए से करवाएगा और काम उसका खत्म हो जाएगा। ज्यादा बड़ा किसान है, जमीन जिसके पास ज्यादा है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसका अपना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।